मुन्ना एलसीडी रियलिटी में स्वागत है। मैं मुन्ना रजक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ये एक पैनल, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये स्टैंड बाई मोड में है, और इसको हम जैसे ये माइक्रो स्विच मतलब शॉर्ट कर रहे हैं यानी चालू कर रहे हैं, तो ये स्टैंड बाई से रिलीज होकर और फिर दोबारा ये स्टैंड बाई में पड़ जा रही है। देखिए दोस्तों, ये आवार फिर दोबारा स्टैंड बाई में ये चली जा रही है। तो दोस्तों, ये आखिर प्रॉब्लम क्या है? तो आप लोग सोचते होंगे कि ये मदरबोर्ड का शायद प्रॉब्लम है, जो कि हमारी मदरबोर्ड जो है ये चाइना वाली है और ये है हमारी चाइना की ही टीवी। टीवी भले छोटी और बड़ी, इससे कोई लेना देना नहीं है, रास्ता एक है, मंजिल एक है। तो दोस्तों, ये जब हम स्टैंड बाई ऑन करने से स्टैंड बाई एक बार चालू होकर फिर स्टैंड बाई में चली जा रही है, जैसे हमने इसकी LVDS ओपन किया और ओपन करने के बाद फिर हमने इस पावर स्विच को यानी स्टैंड बाई स्विच को मैं ऑन किया, और ऑन करने के बाद ये हमारी जो है स्टैंड बाई से फाइनली रिलीज हो गई, यानी ये सेट हमारी मदरबोर्ड ओके है। लेकिन जैसे हम इस LVDS को कनेक्शन दे रहे हैं तो ये हमारी स्टैंड बाई में मोड में चली जा रही है, यानी ये हमारी पैनल के अंदर कोई शॉर्टेज है। दोस्तों, आप पहले आपको देख लेना होगा कि ये कहीं से छेड़छाड़ होकर आई है कि नहीं। ये पूरी तरह, ये जो हमारी ट्रेनिंग होती है ऑल इंडिया प्लस बांग्लादेश, ये सब A to Z मैं डिटेल्स देकर चलता हूँ, तरीका बताता हूँ। कोई एक विषय पर मैं ये वीडियो बनाकर अपना व्यूअर और रेवेन्यू कमाने के चक्कर में नहीं रहता हूँ। पहले ये दोस्तों आपको याद रखना होगा। बहुत सारे हमारे ट्रेनिंग में आकर बोलते हैं, सर हम यहाँ पर आकर बहुत अच्छा किए, ताकि हम आज तक अंधविश्वास में थे यानी फेक वीडियो का शिकार हो रहे थे। तो आप भी फेक वीडियो का शिकार मत होए, मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ। ये मुन्ना LCD LED का ट्रेनिंग 101% जेन्युइन ट्रस्ट और एकदम रूल एंड रेगुलेशन से चालू होता है। जो बोला जाता है वही दिया जाता है। ये जितने हमारे पास ट्रेनिंग करके जाते हैं वो जानते होंगे कि जो सर बोलते हैं वही करते हैं, और ये सब हमारा ट्रेनिंग में A to Z प्रैक्टिकल दिया जाता है। A to Z ये बोलने का मतलब ये है कि ताकि आप बहकाव में मत आओ। अब हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिर ये कहां पर प्रॉब्लम है। आपको इसी तरह से देखना है, कोई हो सकता है सेट, जैसे अभी भी ये देखिए स्टैंड बाई से रिलीज है, कोई सेट अगर इसी तरह से कभी भी आपको मिले तो ये मत सोचो कि हमारा मदरबोर्ड का ही प्रॉब्लम है। पहले स्टेप बाय स्टेप उसको आपको खंगालना होगा, देखना होगा ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। अब यहाँ पर हम इसको एक कोल्ड टेस्ट करेंगे। कोल्ड टेस्ट इसलिए करेंगे कि ताकि ये 5 वोल्ट से हमारे कहीं ग्राउंड में शॉर्टेज है कि नहीं। हम इसको एक बार मीटर की रेंज पर रखकर यानी कंटिन्यूटी के रेंज पर रखकर ये आपको हम दिखाएंगे। इसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप आपको जानना होगा। जो जानते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, जो जानते हैं उनके लिए ठीक है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये फायदेमंद वीडियो होगा। अगर आप हमारा ट्रेनिंग अटेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे देख रहा होगा एक बैनर जो कि लिखा होगा LCD LED TV ट्रेनिंग 8 मुंबई 22/3/2021 से 25/3/2021, यानी 4 डे की फुल प्रैक्टिकल, न्यू बैच स्टार्ट, ओनली 20 मेंबर, क्विक सीट बुक। ये मुंबई का नया ऑर्गेनाइजर हैं, ये मिस्टर जनार्दन माथे नाम है, जनार्दन माथे ऑर्गेनाइजर, ये हमारे न्यू ऑर्गेनाइजर हैं। मैं ये ऑर्गेनाइजर चेंज इसलिए किया कि ये हमारी प्रॉपर मुंबई के ऑर्गेनाइजर हैं। हमारे मिस्टर अशोक धानु जो थे वो पालघर में ट्रेनिंग करते थे और ट्रेनिंग दिलाते थे, इसलिए उनकी डिस्टेंस दूरी की वजह से ये आपको प्रॉपर मुंबई में ट्रेनिंग मिलेगी। मुंबई की थाने में ये ट्रेनिंग होगा। थाने से आपको भांडुप एक स्टेशन है, वहीं पर आपकी ट्रेनिंग होगी, यानी ये प्रॉपर मुंबई की थाने एरिया में ये ट्रेनिंग होगी। अगर आप चाहते हैं मुंबई में ट्रेनिंग लेना तो आज के बाद
आज के बाद आप इस नंबर पे कॉल करके अपना सीट बुक कराएंगे। आपको याद रखना होगा, पुरानी वाली मुंबई की नंबर पर आपको सीट बुक नहीं कराना है। आपको मुंबई वाली की नंबर पर सीट बुक करने के लिए 8828610128 इस पे कॉल करके, ओनली ट्रेनिंग पर्पस इंक्वायरी, यहाँ पर आप व्हाट्सएप नंबर और कॉल करके अपना चाहे तो सीट बुक करा सकते हैं। इसमें ऑलरेडी सीट बुक चालू हो चुकी है। हमारी मार्च महीने की अगले महीने में 22 से 25 तारीख को मुंबई में ट्रेनिंग होने जा रही है, जो कि मुंबई की थाने में। और हैदराबाद के लिए मैं दिखा दे रहा हूँ कि हैदराबाद में हमारी ट्रेनिंग 25, 26, 27, 28 फरवरी की है। ये टर्म एंड कंडीशन इसलिए दिया गया है कि इस ट्रेनिंग में सिर्फ हिंदी जानने वाले को ही इंट्री मिलेगी, यानी ये तेलुगु यानी हमारी आंध्र प्रदेश यानी तेलंगाना में पड़ता है, तेलंगाना में कि हैदराबाद में ट्रेनिंग होगी। कृपया जो भाई बंधु, जो हमारे मित्र, जो हमारे सब्सक्राइबर अगर हिंदी जानते हैं तभी इस ट्रेनिंग में भाग ले। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मिस्टर रेड्डी से कॉल कर सकते हैं 707-55-38039। दोस्तों ये सब डिटेल देने के मतलब है कि आप हमारा वीडियो के साथ साथ डिटेल से भी जानकारी मैं देता हूं कि ताकि आप फ्रॉड के शिकार ना हो और आप ट्रेनिंग अगर जहां जहां लेना चाहते हैं वहां आप ले सकते हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ये वीडियो मैं अपने मकसद से नहीं बनाता हूं, ये आपकी मकसद से बनाता हूं। मैं सिर्फ ट्रेनिंग देता हूं ताकि आप भटके हुए रास्ते पर ना जाए। हमारा हर ट्रेनिंग में 2-3 ट्रेनिंग करके आने वाले लोग की ये आखिरी ट्रेनिंग होती है। पहला जो ट्रेनिंग लेगा उनके लिए भी आखिरी ट्रेनिंग, जो कहीं से 4 या 5 ट्रेनिंग करके आएगा उनके लिए भी हमारे पास आखिरी ट्रेनिंग होती है। ये मैं A to Z पैनल की डिटेल्स और JTEC यानी स्मार्ट बोर्ड की डिटेल्स A to Z में देता हूँ। दोस्तों पहले हम 5 वोल्ट से इसकी ग्राउंड लेंगे और देखेंगे कि हमारा बजर बज रहा है कि नहीं, या कहीं हमको ओम्स दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो ये भी हमको ओम्स दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ तक हमारी 5 वोल्ट ओके है, यानी ये 5 वोल्ट हमारी जो है सप्लाई से शॉर्ट नहीं है। अब हम चले जाएंगे VGH। तो ये VGH जो है, ये VGH भी अगर शॉर्ट रहेगा ग्राउंड से तो अभी आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मेन हमारा जो है पैनल में सबसे पहला बनने वाला सप्लाई होती है AVDD यानी बूस्टर वोल्टेज। अगर बूस्टर वोल्टेज नहीं बनी तो समझो आपकी कोई भी सप्लाई नहीं बनेगी। अब हमने यहाँ पर देखा कि ये हमारी बूस्टर के लिए बहुत सारी PF हैं, लेकिन कुछ PF जो है कलर से भी पहचाना जाता है कि ये शॉर्ट हुई है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 PF है, ये हमारी जो है बूस्टर यानी मेन वोल्टेज। यहाँ पर ज़्यादा एम्पियर यानी ज़्यादा ताकत लगता है, इसलिए उसने ज़्यादा फिल्टर के लिए ज़्यादा ताकत के वजह से ये यहाँ पर हमारा PF ज़्यादा दिया हुआ है। तो ये हम देखेंगे कि ये हमारी ग्राउंड से शॉर्टेज है कि नहीं। दोस्तों ये दिखाई दे रहा है कि हमारा एक बार बजर बजकर और ये यानी ये हमको ग्राउंड से दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर 5 जो PF है इसको हमको स्टेप बाय स्टेप एक बार निकाल कर देखना होगा कि ये कहीं शॉर्ट है कि नहीं। दोस्तों ये वीडियो मैं लाइव बनाता हूँ, कोई एडिटिंग नहीं, कोई मिक्सिंग नहीं, कोई सॉफ्टवेयर का सहारा नहीं। दोस्तों याद रखना, पैनल कभी भी 10 मिनट का अंदर नहीं बनता है। मैं बार बार सच्चाई लेकर ही चलता हूँ और ये सावधानी से आप सबको इसको निकाल कर अच्छी तरह से रखना होगा, कहीं इसमें से कोई एक शॉर्ट मिल जाए। शॉर्ट मिलेगी तो आपको चेंज करना होगा, नहीं मिलेगी दोबारा इसको आपको यूज कर लेना होगा। और ये हमने 5 निकाल दिया, निकालने के बाद अब हम इसको फिर से दोबारा मापेंगे, इसी तरह से आपको काम करना होगा। आपको कभी भी पैनल बनाने के लिए
जल्दीबाजी नहीं करना होगा, आपको ध्यान देकर चलना होगा कि आखिर हमारी शॉर्टेज किधर हो सकती है। अभी हमने पैनल की ये LVDS केबल रिमूव करके रखा हूँ। ये सब डिटेल्स हम 10-15 मिनट की वीडियो में तो दे नहीं पाएंगे दोस्तों, उसके लिए सॉरी। लेकिन आप अगर ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, हमारे पास ही ट्रेनिंग करना है इसका कोई मतलब नहीं है, आप कहीं भी एक अच्छा ट्रेनर को चूज करके आप वहाँ पर ट्रेनिंग ले सकते हैं। लेकिन लेने से पहले आप ट्रेनर से डिटेल्स जानकारी लीजिए, कितने घंटे का ट्रेनिंग देगा, कितना मेंबर होगा और वो क्या चीज़ पे देगा, थ्योरी पर या प्रैक्टिकल पर। जो बोलते हैं उससे अगर अलग होए तो समझो कि हाँ ये बात उल्टी है। यहाँ पर हम एक ये सही है, ये भी हमारी सही है, ये भी हमारी सही है, ये भी हमारी सही है। मैं शॉर्ट करके देख रहा हूं कि बजर कहीं हमारा बंद तो नहीं हो गया, यानी ये भी हमारी सही है और ये भी हमारी सही है। यानी ये कलर से ही हमको पता चला कि ये PF हमारी शायद ये शॉर्ट नहीं हो सकती, बाकी भी बहुत सारी है। हम एक बार इसको कोल्ड टेस्ट तुरंत कर लेंगे, ये एक्सपीरियंस से होगा। ये आप अगर नए हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये 5 दिन का और 4 दिन का जो हमारा ट्रेनिंग होता है कोलकाता में, 5 दिन का और बाकी अदर्स में 4 दिन का, इसमें मैं ऑल टोटल A to Z फाइनल करके ही चलता हूँ, कोई चीज बाकी नहीं रखता हूँ दोस्तों। ये आपको याद रखना होगा, ट्रस्ट करना होगा जो मैं बोलता हूँ। आप आने के बाद भी जितना मेंबर बोलता हूँ मैं उससे कम लेता हूँ, उससे ज़्यादा कभी नहीं लेते हूँ, ये आपको चैलेंज के साथ मैं बोलता हूँ। अब यहाँ पर हमने जब फाइंड आउट करके सही से जब देखा तो ये हमारी जो डैड है, ये हमारी डैड दोनों तरफ से शॉर्ट दिखाई दे रही है। ये एक 3 पिन की डैड है। अब ये 3 पिन की डैड जो है इसको हम एक बार रिमूव करेंगे और रिमूव करके और हम यहाँ पर कोई दूसरी डैड देखकर चलेंगे कि कहीं इसकी वजह से जो हमारी पैनल है वो प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं कर रही है। क्योंकि यहाँ पर हमारी ये 3 पिन की डायड की जगह मैं 2 पिन यूज करूँगा। ये लाइव में वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। ये हमने निकाल दिया और निकाल देने के बाद अब देखेंगे कि इसकी हमारी ग्राउंड के साथ ये है कि नहीं। तो ये दोस्तों हमारा ये ग्राउंड के साथ इसकी कोई संपर्क नहीं है, ये हमारी ग्राउंड रिमूव हो चुकी है, यानी शॉर्ट, ये शॉर्ट हमारी रिमूव हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं एक 4148 लगाऊंगा, इसकी बदले में सिर्फ 4148। आप देख सकते हो ये ट्रांजिस्टर की तरह दिखने वाली ये डुअल डैड होती है। अब यहाँ पर हम एक 4148 लेंगे और लेने के बाद हम इसको सोल्डर करेंगे। इसके नेगेटिव पॉजिटिव शायद मिल नहीं रही है, लेकिन हम मीटर के सहारे इस 4148 को ढूंढेंगे, प्लस और माइनस। शायद ये हमारी आउट है, यानी ये हमारी एनोड है और ये हमारी शायद कैथोड है, लेकिन मीटर से हमको फाइंड आउट हो जाएगी। क्योंकि ये दाग जो है रखे रखे घिसने के वजह से ये मिट जाती है। दोस्तों हमने ये PF को दोबारा सोल्डिंग कर दिया और करने के बाद यहाँ पर हमने एक डायड लगा दिया जिसकी नंबर है IN4148। बहुत सस्ती आटी वाले यूज करते होंगे और किए भी होंगे। और हम फिर से एक बार देखेंगे कि ये हमारा इससे ग्राउंड हो रहा है कि नहीं। तो ये हमारा ग्राउंड नहीं, अब ओम्स की दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये हमारा ग्राउंड नहीं है, ओम्स में दिखाई दिया। यानी हमारी शॉर्ट जो है वो रिमूव हुई, लेकिन शॉर्ट रिमूव होने से भी ये हमारा पैनल आखिर बने ही कि नहीं बनेगी, ये कोई हमारा चांसेस नहीं है, हमको देखना होगा, कोशिश करना होगा। दोस्तों एक बार हम इसको फिर से बंद कर दें, ये अभी तक भी हमारा ये सेट चालू ही है क्योंकि हमने LVDS केबल निकाल चुका था और ये अभी स्टैंड बाई से रिलीज होकर हमारी ऑन पोजिशन में है। मैं एक बार इसको बंद कर दूंगा और बंद करने के बाद फिर से मैं LVDS केबल को लगाऊंगा। और ये जो हमारी ट्रेनिंग मुंबई में होगी दोस्तों, ये आपको याद रखना होगा, हमारा नया ऑर्गेनाइजर जनार्दन मात्रे, आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे पुराने ऑर्गेनाइजर जो है उनका नाम से या उनकी फोन करके उनको तकलीफ नहीं देने का है। ये अभी नया जो हमारे ऑर्गेनाइजर है जो कि प्रॉपर मुंबई में ये जो हमारी ट्रेनिंग अब होगी
और उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होगा, दूर जाने की जरूरत नहीं होगी। आप लोग की इच्छा थी कि सर प्रॉपर मुंबई में हो, तो ये प्रॉपर मुंबई में ट्रेनिंग हमारी होगी और उसकी लोकेशन है थाने। अब हम एक बार इसको लाइन देंगे और लाइन देने के बाद देखेंगे कि हमारी पिक्चर या कुछ इमेज बनी है कि नहीं। देखिए दोस्तों, ये हमारी सेट स्टार्ट हो गई। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये सेट हमारी चालू हो गई, लेकिन दो हमारी जो है वो एक वर्टिकली कलर, एक लाइन वर्टिकली कलर सॉरी वर्टिकली व्हाइट टू लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये हमारी डिस्प्ले जो आ गई। और आपको यहां पर भी दिखाई दे रहा होगा हमारी कि ये जो हमारी 4148 ये जो हमारी लगी हुई है, जो ये हमारी शॉर्ट होने के वजह से ये जो हमारी पैनल जो है ये वर्क नहीं कर रही थी। ओके दोस्तों, बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।